कि आप लोग स्ट्रीट बनर है ना? या स्ट्रीट बनर हो। आज ही मॉर्निंग में मैंने आपका एक टीजर देखा। या मैं कल इधर आया था। हाँ ये देखो यार, हर तरफ पुलिस ही पुलिस भाई, मतलब क्या बोलूं। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बोरिंग रोड में एक बजाज का आउटलेट खुला है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज थे गाइज कि आउटलेट कहाँ पे एग्जैक्टली ओपन हुआ है। तो चलो मैं आपको आज उसकी लोकेशन दिखाता हूँ, एंड ये भी देखता हूँ कि उसकी इनॉग्रेशन वगैरह हुई है या नहीं, क्योंकि मैं कन्फ्यूज था उस दिन। मेरे को बिल्कुल अंदर कस्टमर वगैरह तो दिख नहीं रहते, बट शायद इनॉग्रेशन अगर हो गई होगी तो देखते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे अपने फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं बोरिंग रोड से, और वो लोग मतलब जानना चाहते हैं कि भाई बोरिंग रोड में भी बजाज की शोरूम ओपन हुई है। तो ये अभी हम लोग टर्न किए, एसके पूरी पार्क वाला रोड है, हैव अ लुक, एंड बस थोड़ा ही सा आगे चलने पर आपको मिल जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। एंड यार ये एरिया ना बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर बजाज का आउटलेट भी ओपन हो सकता है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ पॉश एरिया, बट स्टिल यहाँ पे बजाज का आउटलेट मेरे को दिख रहा है राइट हैंड साइड में। ये देख सकते हो यह सामने आपका 929 है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, एंड ये रहा बजाज का आउटलेट। तो चलो आज चल के अंदर बात करते, देखते क्या सीन है और बाइक्स कौन कौन सी यहाँ पे अभी अवेलेबल है। सो गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कल्हानो बजाज। तो गाइस चलो अब आउटलेट के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ का। एंड ये आउटलेट अभी ओपन हुई है क्या? ये आउटलेट अभी ओपन हुई क्या? ओके, और कोई है जो जिनसे मुझे बाइक से रिलेटेड इंक्वायरी नहीं करनी, मुझे आउटलेट की इंक्वायरी करनी है। ओके इनसे बात कर लो। एक्सक्यूज़ मी, या मैं पूछ रहा था ये आउटलेट आज ही ओपन हुई क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग कल से इनॉग्रेट, कल हमारा इनॉग्रेशन। अच्छा, कल आपका इनॉग्रेशन है? या तो हम लोग ने आज सारा अरेंज कर दिया कस्टमर विजिट। नहीं एक्चुअली मैं कल आया था इधर, तो मैंने देखा कि इधर नया आउटलेट ओपन हुआ है। एक्चुअली मैं यूट्यूब की वीडियोस मतलब शूट करता हूँ। अच्छा, हाँ अभी अच्छा, ये मेरा चैनल है स्ट्रीट बनर, आप देख सकते हो स्ट्रीट बनर। या तो अभी मैं शोरूम का एक वॉक अराउंड ले सकता हूँ। ओके ओके, क्या मतलब बाइक की आपकी? तो एक्चुअली मैं सोच रहा था ना कि शोरूम का मैं वॉक अराउंड ले लूँ, और एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं जो कि मतलब लोकेटेड है इस एरिया में, तो एक बार देख ले तो आपके पास कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल है। नॉट अभी बजाज की टोटल बाइक जो भी बजाज जो अभी दे रही है, सारे बाइक्स अवेलेबल है, टोटल कलर सारे अवेलेबल है। तो चलो मैं चल के वॉक अराउंड देख लेता हूँ। आप आइए ना। या क्योंकि अभी हम लोग कल इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ मॉडल्स अभी हमारा अभी आना बाकी रह गया। सॉरी। ओके ओके, जैसे डोमिनार 258 रह गया है जो हमारे गोडाउन पे, वो कल सुबह डिस्प्ले में आ जाएगा। ओके ओके, आपको पल्सर 125 मतलब पल्सर की सारी सीरीज है, वो सारे सेगमेंट है। ओके, डोमिनार 400 NS का सारा सीरीज इधर सारे आ रहे। ओके, इट मीन्स मतलब आपके पास सारे बाइक्स अवेलेबल हैं। तो मतलब अगर मेरे कस्टमर्स जो भी फ्रेंड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हाँ, तो मतलब जिन्हें भी लेना होगा तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। मैं अप्रोच भी करूंगा कि आप लोग स्ट्रीट बनर है ना? या स्ट्रीट बनर हो। आज ही मॉर्निंग में मैंने आपका एक टीजर देखा। या मैं कल इधर आया था। हाँ हाँ, मिले होते तो कोई नहीं। हाँ एक्चुअली कल मैं इधर ही आया था ना, तो मैंने आउटलेट देखा था, तो मैं सोचा कि चलो आज कल तो थोड़ा लेट हो रहा था। कोई बात नहीं, मतलब कल थोड़ा लेट हो गया। तो आपको कल मेरा इनॉग्रेशन है। ओके, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर, आप श्योर कल आएंगे? कल मेरा 2 बजे दोपहर में इनॉग्रेशन, एक छोटा सा हम लोग इवेंट कर रहे हैं। ओके ओके, 2 बजे से। ओके, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा इनविटेशन कार्ड दे। या श्योर श्योर, छोटा सा एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कुछ हमारे चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, बजाज आ रहे हैं। ओके, उन लोगों के साथ में हम लोग छोटा सा इनॉग्रेशन है। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली लगा कि इनॉग्रेशन वगैरह हो गया है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग अभी ओपन हुए ही थे। अच्छा, परसों हमारा पूजा ही हुआ है, आज से हम लोग बाइक सेटअप किए हैं, और कल हमारा इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उसके बाद से हम लोग। ओके, ये मेरे तरफ से। ओके थैंक यू। ठीक है, तो कल मतलब ये टाइमिंग क्या है इसका? कल 2 बजे से। 2 बजे से
ओके गाइस, तो चलो आया मैं तो लकली इनवाइटेड भी हो गया एंड नहीं एक्चुअली कल थोड़ा जल्दी जल्दी में था ना तो काफ़ी लेट हो गया था तो मैं सोचा कि आज मॉर्निंग में मैं आपको फॉलो करता हूँ। ओके ओके आप फॉलो करते हो, ओके थैंक यू। कल आज मॉर्निंग में आपका मैंने देखा तो मैं सोचा कि अरे यहाँ हुए थे अंदर क्यों नहीं। कोई बात नहीं, अभी आ गया अंदर। ठीक है थैंक यू, फिर मिलता हूँ आप लोगों से कल। ओके थैंक यू आइए कल आप। या श्योर ओके। तो गाइज अभी यहाँ से निकल रहे, काफ़ी लेट हो गया यार यहाँ आउटलेट के चक्कर में। देख सकते हो यार पूरा का पूरा एरिया, मतलब समझो रात हो चुका है भाई और बिना लेट के लेट्स गो। एंड गाइज कल आता हूँ देखता हूँ अगर यार मेरे तो वाइजर में पूरा का पूरा फॉग हो गया था इसी की वजह से, तो कल आकर देखता हूँ अगर इनॉग्रेशन वगैरह या फिर जो भी लॉन्च इवेंट है एंड यहाँ का क्या सीन है। नहीं है भाई जब यहाँ का मतलब इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड द बेस्ट पॉइंट इज़ दिस कि दे नोज़ मी, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। कहीं भी जाओ और आपको लोग जाने तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्राउड वाला मोमेंट फील होता है। एंड भाई मुझे वहाँ तक तो ज़रूर लगा था कि ट्रैफिक ख़त्म हो गया है, रोड खाली हो गया, बट यहाँ का देख के फिर से वही लग रहा है। और भाई इधर क्या करूँ मैं, शॉर्टकट ही लेना पड़ेगा। एंड गाइस लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इस आउटलेट का यार, मतलब इस एरिया में भाई मैं लास्ट टाइम भी जब आया था तो मैंने बताया था आप लोगों को यार कि इधर बहुत ज़्यादा नीड है बजाज की शोरूम की। तो चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं घर की तरफ एंड यार कुछ तो जुगाड़ होना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा पटना ट्रैफिक पुलिस को यार, यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो लग रहा है। शाम को अगर आप निकलो किसी सीरियस और अर्जेंट काम से तो भाई भूल जाओ कि वो आप काम आपका होने वाला है, और गलती से अगर कार वार लेके निकल गए तब तो भाई ऐसा आप अटकोगे कि मत ही पूछो। और गाइज एक्चुअली देखो सीन क्या है भाई, एमटी में भी अपने को कराना फ्यूल अप, इसमें भी फ्यूल बिल्कुल लो है। एंड ये बाइक भाई मैं लास्ट 5 to 6 days हो गए इसको मैंने अभी तक फ्यूल अप नहीं करा और कंटिन्यूसली चला रहा हूँ क्योंकि भाई इसकी माइलेज जो है ना बहुत ही अल्टीमेट आ रही है। बाइक अराउंड 400 किलोमीटर चल चुके हैं एंड स्टिल द लास्ट पॉइंट इज़ ब्लिंकिंग, तो आप समझ जाओ कि कितनी अच्छी माइलेज होगी बाइक की। तो अभी तो भाई अपने साथ कोई फ्रेंड वगैरह है नहीं कि अपन बाइक में दोनों को कंपेयर करें या रेस करें, तो बस आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल पे। एंड देखो अभी मेरा शायद से प्लान बना है इधर एक दो दिन में कि मैं जाऊँ फिर से कहीं पटना के बाहर बाइक से या कार से, वो बाद में डिसाइड करूँगा, बट जाने का प्लान तो बना है एक दो दिन में, कहीं तो कहीं जाना है। तो जैसे ही मतलब ये क्लियर आउट होता है, ये देखो यार हर तरफ पुलिस ही पुलिस भाई, मतलब क्या बोलूँ। तो अभी जैसे ही प्लान मतलब बना है, ये जो भी इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया गो एंड फॉलो मी अप देयर ऑन इंस्टाग्राम, स्ट्रीट बना 15 इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, और उस पर जो भी रीसेंट अपडेट्स होंगे जल्दी से आप लोग वहाँ पर फॉलो कर लो, आपको मिल जाएगी वहाँ पर अपडेट्स। एंड उसके बाद आप लोग को भी पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और सडनली प्लान मेरा बनते रहता है यार ऐसा कहीं का भी, तो लोकेशन मैं एग्जैक्ट आप लोग अभी नहीं बताऊंगा, ये अगले वीडियो में रिवील होगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ जा रहा हूँ। एंड बस इतने रखते हैं आज की वीडियो को, इफ एंजॉय वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे। एंड गाइस फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बहुत सारे वीडियोज़ जाकर चेकआउट कर सकते हो, गो एंड चेक इट आउट एंड राइड सेफ़।